डॉक्टर सुमित एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमित, जिस तरह से मैं ये पूछ रही थी कि ओमिक्रॉन के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोगों को घर में ही हम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि इस समय अननेसेसरी कहीं भी भीड़ इकट्ठी होने नहीं देना है, क्योंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज में हमारे यहाँ। लेकिन अगर आप पिछले 10 दिनों का ट्रेंड देख लें तो कल हम 155 के आंकड़े पे थे, आज हम 200 के आंकड़े पे पहुंच चुके हैं ओमिक्रॉन के। तो जिस तेजी से ये बढ़ रहा है, अगर हम सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को नहीं फॉलो करेंगे, भीड़ इकट्ठे होने से नहीं बचाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे यहाँ भी वही स्थिति आ जाएगी जैसे बाकी देशों में आते जा रही है। नीदरलैंड को जैसा भी आपने ही दिखाया कि उनको यहाँ लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो वो लॉकडाउन वाली स्थिति से बचने के लिए बेहतर है कि हम सेल्फ लॉकडाउन के स्टेट में चले जाएँ, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, अननेसेसरी इधर उधर ना घूमें, जिससे कि इस बीमारी को अपने आप फैलने से रोकें। और हमारे यहाँ हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लोगों की मनोस्थिति है, उसके हिसाब से अगर थोड़ी भी बीमारी बढ़ेगी तो लोग पैनिक में आएंगे और पैनिक की वजह से सारी चीजें फिर डवाडोल होने लगेंगी। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, और देखिए लगातार विशेषज्ञ जो हैं वो इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ओमिक्रॉन रिएक्ट करेगा, फैलेगा किस तरह से, इस तमाम चीज़ों की खोज कर रहे हैं ताकि जानकारी और ज़्यादा मिल सके। लेकिन अब ऐसे में ये कहा जा रहा है विशेषज्ञों की तरफ से कि ओमिक्रॉन से आज नहीं तो कल हर कोई संक्रमित होगा। ये बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा तो है ही। ओमिक्रॉन जितनी तेजी से हमारे देश में पांव पसार रहा है, इसका खतरा। और उसके अलावा एक और जो रिसर्च अभी आई है, उसमें यह भी पाया गया है कि इंडियंस में डेल्टा, जो सेकेंड वेव में जिसने तबाही मचाई थी, वो अभी एग्जिस्ट कर ही रहा है। वो डेल्टा वेरिएंट प्लस ओमिक्रॉन, ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहा है एक ही पर्सन में। और अगर ऐसी स्थिति आ गई तो वो स्थिति थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि अभी ये बहुत अर्ली स्टेज में है, तो इससे क्या पिक्चर सामने आएगी। और चूंकि डेल्टा का हम रूप देख चुके हैं सेकेंड वेव में, तो डेल्टा और ओमिक्रॉन अगर दोनों मिलके अगर आगे हमारे देश में, तो स्थिति भयावह होने की संभावना है। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, आप लगातार सेकेंड वेव की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेकेंड वेव में क्या स्थिति थी, ये सबने देखा, कितने लोगों की जान गई, ऑक्सीजन की कमी हुई, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, इसलिए लोग काफी परेशान थे। तो क्या अब अगर तीसरी लहर आएगी, क्योंकि जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर फरवरी तक आ सकती है, तो ऐसे में तीसरी लहर अगर आएगी तो क्या हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि उसका अच्छे से सामना कर सके तीसरी लहर का? बिल्कुल, यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरी तरह से कमर कस ली, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, बेड्स तैयार कर लिए गए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी तरह से कर ली गई है। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए, लोग पैनिक में आ जाएंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। बस लोग अपने व्यवहार में सुधार ला दें तो जिससे वो भयावह स्थिति ना आए, बाकी सरकार की तरफ से सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, और यहाँ पर देखिए एक भारत में एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि मामले तो ओमिक्रॉन के बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन माइल्ड सिम्टम्स अभी संक्रमितों में देखने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए लोग बहुत लाइट वे में से ले रहे हैं कि ओमिक्रॉन में कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, इतना ज़्यादा ये संक्रमित तो लोगों को कर रहा है लेकिन लोग ज़्यादा परेशानी उन्हें नहीं हो रही है। ऐसे में देखिए अब तक 77 लोग ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, तो कितना इसको लाइटली लेना चाहिए और कितना ज़्यादा गंभीर लेना चाहिए इसको? नहीं, लाइटली लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो, ये एक ऐसा वेरिएंट है जो अभी 26 तारीख को ही रिपोर्ट हुआ है, 26 तारीख को ही प्रॉपर वे में इसकी सूचना सबके पास आई है, तो इससे रिलेटेड क्या कंडीशंस हैं, डाटा कोई अवेलेबल है नहीं हमारे पास। सेकंड थिंग, हमारे यहां ही कई लोग जो पॉजिटिव आए ओमिक्रॉन से, वो आफ्टर 10 डेज भी दोबारा पॉजिटिव आए हैं जी, इट मींस दैट कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है और वो परसिस्ट कर रहा है बॉडी में। और अगर, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, कि अगर डेल्टा वेरिएंट के साथ ये कंबाइन कर गया, क्योंकि इस ओमिक्रॉन में बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने इस वेरिएंट ने अपने में किए हुए हैं, तो अगर ओमिक्रॉन के साथ अगर डेल्टा वेरिएंट भी आ गया तो वो स्थिति गड़बड़ होगी, और उससे हमें बचने की पूरी कोशिश करनी होगी। और ये बचने का एक ही तरीका है कि हम इन्फेक्शन होने से बचाएं। इन्फेक्शन होने के बाद तो फिर तो उपचार ही एक तरीका बचता है, लेकिन उससे बचने के लिए बेहतर है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिससे कि हम इस बीमारी को होने ही नहीं, और अगर डेल्टा वेरिएंट से कंबाइन किया तो ये दिक्कत होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ।
जी बिल्कुल डॉक्टर सुमित, और देखिए यहाँ पर एक ओमिक्रॉन से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। हालांकि देखिए मास्क भी लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इम्यूनिटी का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो ऐसे में लोग, हमने अक्सर देखा है, चाहे वो कोरोना की सेकेंड वेव हो, फर्स्ट वेव हो, अक्सर लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए तमाम चीज़ें यहाँ पर करते नज़र आते हैं। कोई टैबलेट खाता है, कोई गर्म पानी पीता नज़र आता है। तो इम्यूनिटी किस तरह से हम स्ट्रांग अपनी रख सकते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए देखिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी हमेशा कहती है प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। उसके अलावा आप हेल्दी फूड लीजिए, ऑयली फूड से परहेज करिए, बहुत ज़्यादा ये फास्ट फूड का सेवन ना करिए। तो इन सब चीज़ों से ही हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। विटामिन सी का उपयोग करना होगा, जिंक ले सकते हैं, जिंक भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो विटामिन सी, जिंक, प्रोटीन और प्रोटीनिशियस डाइट ज़्यादा इससे, और ऑयली फूड पूरी तरह से अवॉइड, फास्ट फूड पूरी तरह से अवॉइड करना है, तो ही इम्यूनिटी हमारी बढ़ सकती है। पानी ज्यादा पीना है। जी बिल्कुल डॉक्टर सुमित, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि देखिए अभी तक ओमिक्रॉन के जो मामले पूरे दुनिया में हम देख रहे थे, मामले तो बढ़ रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब अमेरिका में एक शख्स की जान चली गई है ओमिक्रॉन से, तो मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की क्या ज़रूरत है इससे? घबराने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे नज़र में, लेकिन हाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और डेथ एक शायद ब्रिटेन से भी रिपोर्ट हुआ था ओमिक्रॉन से ही। जी तो ये अब यदा कदा डिक्लेयर होने लगे हर जगह से, चूंकि डाटा नहीं मिल रहा था कहीं से अभी तक, तो अब चूंकि ये धीरे धीरे बीमारी कुछ पुराने होती जा रही है तो इसके डाटा मिलने लगे हैं। तो कितनी सी बैठी, चूंकि ये हर स्टडी में ये कहा जाता है कि ये लंग को इन्फेक्ट कर रहा है, और जो चीज लंग को इन्फेक्ट करेगी, जैसे कोविड के अदर वेरियंट्स को हमने देखा है वो निमोनिया कराता था, अगर ये लंग को इफेक्ट कर रहा है तो ये भी निमोनिया कराएगा। तो बट नेचुरल है कि इन फ्यूचर हमें मिलेगा कि ये भी सीवियर फॉर्म में जा रहा है, अर्ली स्टेज में कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर लंग को इन्फेक्ट कर रहा है तो निमोनिया कराएगा, और निमोनिया कराएगा तो निमोनिया इज ए सीरियस प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, पैनिक नहीं होना है, डरना है लेकिन घबराना है, लेकिन डर के पैनिक होकर के उस पर कैओस नहीं क्रिएट करना है।